प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है। हमसे कहा गया है कि अगर 2 kg शुगर में 9×10^6 जो है शुगर के दाने हैं, शुगर क्रिस्टल्स हैं, और अगर हम लेंगे 5 kg शुगर, हमें बताना है कि इसमें कितने क्रिस्टल्स क्या होंगे, शुगर के क्रिस्टल्स होंगे, और इसी तरह 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दिया गया हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, किसमें दिया गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, 2×9×10^6 इज इक्वल टू, पहले हम ये वाला देखेंगे, 5×x1। अब हम उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2×x1 इज इक्वल टू 5×9×10^6। अब हम देखेंगे x1 इज इक्वल टू 5×9×10^6 / 2। x1 इज इक्वल टू 45×10^6 / 2। अब हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये डिवाइड करेंगे, दिखाऊंगी, यहाँ पे 42 को डिवाइड करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2×2 = 4, यहाँ पे 5, 2×2 = 4, यहाँ पे 1 बच गया, हम पॉइंट चढ़ाएंगे, यहाँ पे आएगा 0, 2×5 = 10। तो x1 किसके बराबर आया, 22.5, जब हम इसने को काटेंगे क्या आएगा, 22.5×10^6। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पहले भी आपको पढ़ाया है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे 2.25। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट, और जो ये है यहाँ पे आएगा 10^7, क्योंकि हमने ये पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, और इसके बदले आएगा यहाँ पे एक पावर, इससे ज़्यादा वो आएगा 10^7। तो हुआ हमारा ये x1। अब इसी तरह हम बात करते हैं, अब इस तरह हम बात करते हैं 2×9×10^6 इज इक्वल टू 1.2×x2। तो इसको भी इसी तरह हमें करना है, क्योंकि किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, 2×x2 इज इक्वल टू 1.2×9×10^6। तो x2 किसके बराबर आएगा, 1.2×9×10^6/2। अब हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2×1 = 2, 2×6 = 12। तो बच्चों x2 इज इक्वल टू 2×1 = 2, 2×6 = 12, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट चलेगा, × 9×10^6। x2 इज इक्वल टू 6×9 = कितना होगा, 54, लेकिन एक के बाद क्या चलेगा, डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर है 0.6, 0.6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, वो क्या आएगा, 5.4×10^6। अब जो ये है 5.4, ये ऑलरेडी किस में दिया गया हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 5.4×10^6 हमारा आंसर आएगा। जो x2 है वो कितना आया, अब 5.4×10^6, 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे,
5.4 इंटू 10^6। इसी तरह x1 में कितने होंगे, 2.25 इंटू 10^7। फिर से मैं आपको बोलूंगी, हमें वेट ऑफ द शुगर केजीज में दिया गया है और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी हमें दिया गया है। हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास 2 kg ऑफ शुगर है, इसमें है 9 × 10^6 क्रिस्टल्स, तो हमको बताना है 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। क्योंकि हमें ये दिया गया है किस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 / 9 × 10^6 इज इक्वल टू, पहले हम ये वाला करेंगे 5 / x1। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × x1 इज इक्वल टू 5 × 9 × 10^6। x1 किसके बराबर आएगा, 5 × 9 × 10^6 / 2। तो हमने क्या किया, 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, वो आएगा 45 × 10^6 / 2। 2 से इसको डिवाइड किया 45 को, वो आएगा 22.5 × 10^6। अब चूंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो हम लिख सकते हैं 2.25 और इसके बदले जो 1 पावर है वो इसमें ऐड हो जाएगा 10^7। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, 10^7 हुआ ये वाला पॉइंट। फिर है दूसरा वाला, 2 / 9 × 10^6 इक्वल टू 1.2 / x। इसको भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × x2 इक्वल टू 1.2 × 9 × 10^6। x2 किसके बराबर आएगा, 1.2 × 9 × 10^6 / 2। 2 से इसको डिवाइड किया, y 0.6 × 9 × 10^6। तो 9 6 हुआ 54, एक के बाद डेसिमल चलेगा, × 10^6। अब भी हमें किस में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो x2 किसके बराबर आएगा, 5.4 × 10^6। तो बच्चों आज इतना ही, फिर अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।